तो हेलो गाइस, इट्स मी रावत राइडर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं अपना मेटियोर के साथ दूसरा ब्लॉग बहुत दिन बाद, और ये है 2022। आज मैं शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मेटियोर 350 सर्विस रिव्यू। मैंने इसकी कितनी सर्विस करा ली है और कितनी बची है फ्री वाली, मैं बताऊँगा आपको इस पूरी वीडियो में, और दिखाऊँगा अभी मेरी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है, मैंने कहाँ कहाँ ले गया हूँ, दिल्ली के बाहर कितनी बार मैंने चलाई है और कितने किलोमीटर्स तक मैंने कंटिन्यूसली चलाई है, क्या मुझको प्रॉब्लम आई है, हाईवे पे कितना कुछ मैंने फेस किया है राइड करते वक्त, सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैंने कितना किलोमीटर इसको रन कर दिया। आपको पता ही है, जैसे मैंने इसको 2020 के नवंबर में खरीदा था और आज हो गया 2022 जनवरी, तो ऑलमोस्ट इसके एक साल दो महीने करीब हो चुके हैं। तो इसके मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना इसके अंदर मैंने रन कर दिया है। तो गाइस अभी देखिए, जैसे कि मैंने अपनी बाइक का मीटर ऑन किया है और इसकी जो किलोमीटर आपको शो हो रही है 8931, मैंने इतना ऑलमोस्ट आप 9000 किलोमीटर मैंने इसको रन कर दिया पूरी बाइक को। इस बीच मैं इसको कहाँ कहाँ ले गया हूँ, उसके ट्रिप के मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो के बीच में एडिट कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। और वैसे भी आपको पता ही है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक बार मैं अपने गाँव गया था और एक बार मथुरा वृंदावन गया था, और अभी हाल ही में ये बाइक आपको एक और बार मथुरा वृंदावन का टूर करके आई है। तो आपके पास शेयर करता हूँ मैं क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं, कितने पंचर मेरे टायर में हुए हैं या नहीं हुए हैं, अब बताता हूँ मैं। ये मैंने आपको बताया मेरी बाइक 9000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका तीसरी सर्विस का टाइम आ चुका है, जो कि मैं कल या परसों के दिन में कराने वाला हूँ और वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्दी। तो सेकंड सर्विस मैंने करवाई थी, उसमें मेरे को खर्चा आया था ऑलमोस्ट 800-900 रुपये के करीब। सो अभी मैं बताता हूँ आपको कब मैं जाने वाला हूँ, उसकी वीडियो पूरी शेयर करूँगा। तो जब मैं गया था अपने गांव में, तो जब मैंने कंटिन्यूसली इसको 250 किलोमीटर तक रन किया था दिल्ली से निकलने के बाद, तो व्हाट प्रॉब्लम आई फेस इन माय बाइक, कि इसका सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था कि इसके चैन में ढीलापन आ गया था और ये चैन आवाज़ करने लग गई थी इसकी, जिसकी वजह से कड़कड़ आवाज़, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गई थी इसकी चैन। और वाली वीडियो में शेयर करता हूँ जिसमें मैं रुका था बीच में फिर उस चैन इशू की वजह से, नहीं तो मैं उस टाइम भी कंटिन्यूसली रन करता। बेसिकली जो उसकी चैन है ये देखिए, इसको बीच बीच में बहुत ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। अभी भी ये आई है कम से कम 400 किलोमीटर के बाद मेरे पास, क्योंकि मैंने ये अपने फ्रेंड को दे रखी थी। और इसकी चैन में देखो, मैंने नहीं कराया था कि मैं वीडियो में आपको दिखा सकूँ, इसकी चैन में ऐसा लग रहा है कि जंग लग गया हो, क्योंकि हमने इसकी ऑयलिंग वगैरह नहीं करी थी पूरे, और 400 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो, तो जब भी आप कहीं बड़ी राइड करने जा रहे हो कि मेक श्योर कि आपके पास चैन ल्यूब और चैन ऑयल हो, ताकि आपकी चैन में ऐसे कहीं भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो आपको फिर राइड में बहुत दिक्कत देगा। सेकंड दिक्कत ये आएगी आपको, जो आपका क्लच होगा वो ढीला हो जाएगा। तो अपने पास जो भी रॉयल इनफील्ड ने आपको दिए हैं छोटे मोटे अपने औजार, वो अपनी बाइक के साथ रखें, क्योंकि वही आपके साथ हेल्प करेंगे आपकी राइड पूरी कंप्लीट करने में। तो अब मैं जब कराऊंगा इसकी थर्ड सर्विस, तो मैं उनसे बहुत कुछ पूछने वाला हूँ, कि कभी कभी मुझको इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब मैं इसकी चाबी को डबल लॉक लगाता हूँ तो इसका खुलने में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है। मुझे पूछना है कि ऐसा क्यों होता है, मुझको क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि चैन बंद ऑन होना पर होने में बहुत दिक्कत होती है। सो इसी के साथ मैंने आपको बताया छोटे मोटे, मतलब इशू बताए जो भी मुझको फेस हुए हैं अपनी बाइक के साथ इन एक साल में, मतलब इतने बड़े इशू भी नहीं है बट नॉर्मल इशू है। बट बड़ी राइड करेंगे कभी, जैसे कि मैं एक बड़ी राइड करने का प्लान कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे मैं बड़ी राइड करने का प्लान करता हूँ वैसे वैसे ही लॉकडाउन लग जाता है। तो इस बार मैंने सोचा है कुछ बड़ी राइड करने का, देखते हैं वो प्लान सक्सेस हो पाता है या नहीं। और मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बट मैं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट आपको तभी बताऊँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो साइनिंग ऑफ लेना चाहता हूँ, बिकॉज ये उतना क्लियर वीडियो नहीं है, बट मैंने छोटा सा एक रिव्यू दिया है एक साल का, मतलब क्या, मतलब बेसिकली लॉन्ग राइड रिव्यू दिया है मैंने, कि आपको क्या क्या बेसिक थिंग आपके साथ कैरी करनी होती है। आप चैन ल्यूब एंड चैन ऑयल तो बेसिकली केयर करना ही करना है, दूसरा आपको अपने साथ जो टूल्स होते हैं मेटियोर 350 के, वो भी आपको अपने साथ कैरी करने, ताकि आपको क्लच गियर सब आपको बनाना आना चाहिए, ताकि आप क्लच को अपना टाइट कर सकें जैसा कि मैं करता था। सो इस बात मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग राइडर।